नए पाकिस्तान के हालात वही पुराने, पुलिस की वर्दी बदलने से कुछ ना हुआ और अब हुकूमत बदलने के बाद भी हालत जूं की तूं। मंथली निकालो पुलिस एहलकार का लाहू चौक में एलपीजी फरोख्त करने वाले दुकानदार से तकाजा, दुकानदार हुआ बेबस बेचारा, एहलकार पहले ही मंथली ले गए हैं, जवाब दिया मुझे ना समझाओ 500 रुपए निकालो। एहलकार की सरेआम रिश्वत वसूली की वीडियो लाहौर न्यूज पर। एलपीजी कंपनियों के बजाय ओग्रा के नर्ख जारी किए जाएंगे, कंपनियों को ओग्रा रेट्स पर ही फरोख्त का पाबंद किया जाएगा। इंतजामिया ने यकीन दहानी करा दी, गैस 132.62 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करवाई जाएगी। अवामी रिक्शा यूनियन के जिले इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज की नामजदगी में रुकावटों पर मुस्लिम लीग नून का आज एहतजाज। खान साहब और उनके पसमांदा वजीर आला कौमी खजाने से गुलछरे उड़ाने में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर ससुराल जाने और झूले लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई की असलियत और अहलियत पूरी दुनिया पर आया हो चुकी है। कौम अपने मैंडेट पर डाके की वारदात दोहराने नहीं देगी। ज़मीनी इंतखाब में हर तरफ शेर ही शेर नजर आए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की अराकीन असेंबली और दीगर से मुलाकात में गुफ्तगू। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक को आज फिर नैब में पेश किया गया। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ रेलवे लोकोमोटिव केस की भी तहकीकात शुरू हो गई। जराए लाहौर पार्किंग कंपनी केस में साबिक एमपीए हाफिज नौमान की नैब के जानिब से तलबी का मामला, हाफिज नौमान लाहौर हाईकोर्ट में पेश, वकील की आदम पेशी के बाद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। नैब को तहकीकात का हक है लेकिन तहकीकात गैर जानिबदाराना होनी चाहिए, हाफिज नौमान की मीडिया से गुफ्तगू। इंसानी सेहत के दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन, आलूदा पानी फरोख्त करने पर प्योर फीना ड्रिंकिंग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सील, 1100 पानी की बोतलें, जंग आलूदा मशीनरी और केमिकल ड्रम जब्त कर लिए गए। जाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है। डीजी फूड अथॉरिटी, जलो पार्क में कैंटीन, एमएम आलम रोड पर मारूफ पिज्जा पॉइंट भी सील। ईद पर शहर में सफाई पर वजीर आला का इत्मीनान, पीटीआई अराकीन असेंबली परेशान, उस्मान बुजदार के जानिब से ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई पर इदारों की तारीफ, रुकन असेंबली मुसरत जमशेद चीमा एलडब्ल्यूएमसी की कारकर्दगी पर नाला, शहर में नाकिस सफाई पर असेंबली में तहरीक इल्तवा कार जमा करवा दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात की मुलाकात, अमन अमान के लिए रेंजर्स के अफसरान और जवानों की खिदमात लायक तहसीन है। उस्मान बुज़दार ने रेंजर्स की खिदमात को सराहा। डीजी रेंजर्स ने वजारत आला की जिम्मेदारियां संभालने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। हराम में शहर समेत पूरे सूबे की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हदायत जारी, जलसों के रास्तों में तमाम दुकानें बंद, मजालिस और जुलूसों के मुकर्रर वक्त पर खत्म करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत अजलास में अहम फैसले, अजलास में आईजी पंजाब, सीसीपीओ और दीगर आला अफसरान की शिरकत। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशात पर फर्जंदान इस्लाम सरापा एहतजाज, एबका पंजाब की डेविस रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली, जामिया नईमिया के इसातिज़ा और तलबा भी सड़कों पर आ गए। वहादत रोड पर इस्लामी जमीयत तलबा की तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत रैली में शमाए रिसालत के परवानों का हजूम उमड़ आया। मुजाहरीन की नारेबाजी, गुस्ताखी के मुर्तकब मुल्क का बायकॉट, तोहीन करने वालों को सजा दी जाए, अलामा रागिब नईमी। तहरीक लबैक का आज लाहौर से इस्लामाबाद मार्च, दाता दरबार के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए ग्राउंड्स के इस्तेमाल पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम, आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया, किस कानून के तहत यूनिवर्सिटी के ग्राउंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले की, जस्टिस अली अकबर कुरैशी। अदालत ने हबीब कंस्ट्रक्शन, ZKB कंस्ट्रक्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव, DG, LDA और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को 3 सितंबर को तलब कर लिया।
लाहौर की दो कौमी और दो सूबाई असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी। NA 124 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खान मदनी और नुमान कैसर, मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली ने कागजात नामजदगी वसूल किए। आबिद शेर अली ने वजीर आला पंजाब और वुजरा को स्टेज ड्रामा की टीम करार दे दिया। कहते हैं अवाम स्टेज ड्रामा देखना छोड़ें, वजीर आला और वुजरा की शक्लें देखें। वलीद इकबाल ने NA 131 से कागजात नामजदगी हासिल किए। वजीर आजम जो फैसला करेंगे कबूल करूंगा। वलीद इकबाल। साबिक दौरे हुकूमत की पब्लिक सेक्टर कंपनियों में मोटी तनख्वाहों पर काम करने वाले 98 प्राइवेट अफराद के खिलाफ घेरा तंग। नैब ने तहकीकात के लिए कंपनियों और इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। SPU रेवर रावी जोन, साफ पानी कंपनी और कैटल मैनेजमेंट कंपनी में तैनात प्राइवेट अफराद निर्णय में आ गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का दौरा। अफसरान से मुलाकात, सेक्रेटरी अली बहादुर काजी ने ब्रीफिंग दी। शहर के 79 हाई रिस्क यूनियन काउंसलर्स में इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 2275 टीमें 7,80,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएगी। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। DC लाहौर। सेशन कोर्ट में कत्ल केस की पेशी पर आई मुलजिम और मुदई पार्टी के लोग उलझ पड़े। बात मजीद बढ़ने से कबल वकला ने बचाव करवा दिया। एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी नरगिस का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। खिलाड़ियों की ढोल के थाप पर भंगड़े। कराटे में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी का मुल्क में खेलों की सहूलतें ना मिलने का गिला। अपनी फतह पूरी कौम के नाम कर दी। और लाहौर कलंदर राइजिंग स्टार टैलेंट हंट प्रोग्राम, कजाफी स्टेडियम में दूसरे और आखिरी रोज भी रौनक है। क्रिकेटर स्टार बनने वालों का रश लग गया।